हाँ जी, वेलकम टू माई चैनल। अज का जो ब्लॉग है वह मैं अपने स्टार्ट कर रहा। जी लोकेशन मैं चूज की वह है बेलकोनन। बेलकोनन इतने जो अपने शॉपिंग सेंटर आदि आले दुआले जो अपने फूड कोर्ट एरिया, उस फूड कोर्ट एरिए बिल्कुल नाल ही अपने बेलकोनन रिवर है, जिड़ी कि बड़ी ही नैचुरल आले दुआले वो ग्रीनरी लगी हुई है। और वैसे भी हूँ अज का शाम का टाइम हो चुका है, तो मेरे को इन्ना कोई ज़्यादा टाइम है नहीं गा कि मैं दूर की कितनी लोकेशन नैचुरली कोई लोकेशन चूज़ करके जाके उतों का ब्लॉग स्टार्ट कर सकता। सो जिन्ना क टाइम है उस टाइम के हिसाब न मैं सोचा कि आह बिल्कुल लोकेशन जी बिल्कुल मेरे घर के कोल है, और मैं इतों की लोकेशन को कवर करके भी दूर जाने की बजाय यहाँ नैचुरली एरिया है बिल्कुल घर के कोल है, अगर इसनों मैं कवर करा तो वधिया होगा, क्योंकि थोड़ा जहा मैं इतने की कुछ आले दुआले मैनू भी थोड़ा जहा जानने मिलेगा, थोड़ा जहा मैं ब्लॉग के उत्ते उस चंगी तरह थोड़ा दस भी सकता कि इतने आले दुआले की कुछ है अपने। तो ठीक है जी, फिर अपने थोड़ा जहा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने ब्लॉग जोड़ा है जल्दी स्टार्ट करते हैं। बेलकोनन मैं इस टाइम खड़ा हाँ बिल्कुल पोटो तो हंगरी जैक्स के कोल, तो इतों मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करना है। हाँ जी, सो ब्लॉग मैं स्टार्ट कर देता, तो गड्डी च बैठा थोड़ा जहा इन्ना पता नहीं लग रहा ठंड का, लेकिन बाहर निकलते जो थोड़ा जहा मौसम में फर्क है गड्डी नालों, बाहर थोड़ी जी ठंड ज़्यादा। सो सोचा मैं कि हुडी पा ही लवा, अं मुड़ के पाली ठहरते फिर। सो मैं थानू आले दुआले की लोकेशन थोड़ी जी दिखाना है कि कुछ है कुछ की आले दुआले। देखो जी, आले दुआले का एरिया जो बिल्कुल नैचुरल है, ये अपने बेलकोनन रिवर है, और बेलकोनन रिवर के आले दुआले जो है बिल्कुल ग्रीनरी ग्रीनरी लगी हुई है। सो मौसम इतों का इस टाइम थोड़ा जहा शामी हो गई, थोड़ा जहा ठंड भी है, और बिल्कुल नैचुरल एरिया है। और इस तरफ अपने जो है कि रेस्टोरेंट वगैरह तो ये चीज़ा ने, और इतने रिवर के आले दुआले जो है चलने वास्ते अपने फुटपाथ बनाया है वधिया है, जो अपने साइकिल वगैरह भी चला सकते हैं और पैदल पैदल भी चल सकते हैं। सो इधर बिल्कुल नैचुरल एरिया है, ग्रीनरी वगैरह लगी हुई है वधिया है, और जगह जगह उत्ते अपने थोड़े जे रुकने वास्ते स्टॉप भी बने हुए हैं, इतने खड़ के आप पिक्चर वगैरह शूट कर सकते हैं, मूवीज वगैरह बना सकते हैं। तो शाम को जो एरिया है थोड़ा जा लोकेशन जी थोड़ी जी और भी वधिया हो जाती है, क्योंकि लोग इतने शाम को वॉकिंग वगैरह करनी स्टार्ट कर देंगे। सो शाम को जो है मेनली इतने लोग वॉक वगैरह करना आते हैं, और दूसरी तरफ जो है बिल्डिंगा वगैरह अपार्टमेंट वगैरह एरिया बने हुआ, और उस सामने जो बिल्डिंगा बनी हुई उन्होंने जो बिल्कुल पिछों वाली बिल्डिंग है वो अपार्टमेंट है, और उस मैं रहना है। बिल्डिंगा मैं थोड़ा जहा होर नज़दीक तो करके विखाना, ये वाली टोटल सारिया जी है अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग्स ने। और ये देखो झील का नज़ारा बिल्कुल वधिया, बहुत वधिया नज़ारा है शाम का। और ये वाला जो है झील के उपर ही अपने एक जो है ब्रिज बने हुआ, जितों की अपने वॉक करके या साइकिल से एक साइड तो दूसरी तरफ से जा सकते हैं बिल्कुल आराम न। और शाम का जो नज़ारा है बहुत वधिया है इस। और ऐसे ही मैं दूसरे तरफ तो शूट कर रहा अपार्टमेंट्स बिल्डिंग, तो ये वाली रिवर जो है वो बिल्कुल मेरे अपार्टमेंट के जस्ट बैक साइड पर है बिल्कुल। और इस रिवर के आले दुआले ही टोटल जो है फूड कोर्ट एरिया बनया हुआ, और अपार्टमेंट के दूसरी साइड अगर जाया जाए तो उधर अपने फ्रंट पर शॉपिंग मॉल बनया हुआ। अभी एक वधिया चीज़ बनी हुई है, आप वोटर के थोड़ा जहा अंदर तक जा सकते हैं, सेम लाइफ हैलीपैड बने है, वो करके थोड़ा जहा अंदर तक जाके देखते हैं पानी के।
ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚਰਲ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੋਕ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਇਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਮਾਇੰਡ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਸੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੋਕ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਵੋਕ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਬਲੌਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੋਕ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਧੀਆ ਨੈਚੁਰਲ ਏਰੀਆ। ਅਗਰ ਇਸ ਬਲੌਗ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨੈਚੁਰਲ ਸੀਨਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਰਿਵਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੇਕਾਂ ਅਨੇਰੋ ਸੀਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਬਿਊਟੀ ਸੀਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੂਮ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ ਵਾਸਤੇ ਟਰੈਕ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਤਰਫ ਆਪਣੇ ਪੈਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉੱਧਰ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਧਰ ਪੈਦਲ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਾਕਿੰਗ ਟਰੈਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਸਕਾਂਗਾ, ਸਾਈਕਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੌਗ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜ ਪੋਲ ਜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਬਲੌਗ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੂਮ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਨਸੈੱਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਨਸੈੱਟ ਦਾ ਜੋ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਈਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7:05 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਵਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਤਰਫ ਅਗਰ ਰਿਵਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜੋ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਗ੍ਰੀਨ ਗ੍ਰੀਨ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਾਂ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਹਰ ਤਰਫ ਗ੍ਰੀਨ ਗਰਾਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪੇੜ ਜੋ ਲੱਗੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾਈ ਤੱਕ ਨੇ,
देखो उस तरफ अपने अपार्टमेंट है और रेस्टोरेंट फूड कोर्ट एरिया है और यह अपने ये वाली जी साइड है अपने दूसरे तरफ वाली साइड है। हाँ जी सो वापस आ गया मैं इस टाइम कार दे विच बाहर जो घूमया फिरया मैं इस टाइम 15-20 मिनट लाए है कुछ ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड किया मैं बाहर बट 15-20 मिनट स्पेंड करके रिवर के आले दुआले ब्लॉग वगैरह बना के थोड़ा जा वॉकिंग वगैरह करके थोड़ा नेचुरल प्लेस के आके मतलब मैं बहुत वधिया एनर्जेटिक फील हो रहा है इस टाइम बहुत वधिया लग रहा है और मेरा मन है कि जिस टाइम भी अगर मेरा शाम को कोई जॉब है नहीं या शाम को मेरा काम है नहीं तो मैं कोशिश करा कि शाम को ज़्यादा टाइम ले नहीं तो 15-20 मिनट ली अधे घंटे लिए मैक्सिमम मैं रोजाना इतने शाम को आने की कोशिश करा। नाइस एरिया है बढ़िया बहुत बढ़िया एनर्जेटिक है एंड थैंक यू वेरी मच मेरे इस वीडियो में इतों तक देखने ली और चैनल तुसी सबसक्राइब करो और वीडियो जिन्हें भी मैं अगर पाना जिहड़ी भी वीडियो तुसी पसंद करते हो उन्हें लाइक करो और प्लीज़ उसनों अगे तो अगे शेयर करो। थोड़ा सहयोग जो है मेरे लिए बहुत जरूरी है इस टाइम अपने इस चैनल के उत्ते ऑलमोस्ट 1500 सबसक्राइबर ऑलरेडी हो चुके हैं। मैं सवेरे चैक किया अपने 1490 सबसक्राइबर ने 10 सबसक्राइबर अगर मैंने इस वीडियो तो होर मिल जाने तो इस चैनल के पूरे टोटल 1500 सबसक्राइबर टोटल हो जाएंगे। सो मैं गाह भी कोशिश करता है कोई होर वधिया लोकेशन चूज़ करके वधिया एरिया कोई चूज़ करके उतों की अपनी जो हैगी वीडियो जो भी हैगी नैचुरल एरिया होगा उसमें चूज करके उतों की वीडियो शूट करके अपने इस ब्लॉग पर पाने की कोशिश करूँगा और जिन्ना भी हो सके होर बात तो बाद मैं वीडियो के दौरान बोलने की कोशिश करूँगा और जिन्ना भी हो सके उस एरिया उस लोकेशन होर ज़्यादा जानकारी वो तो वह देने की कोशिश करूँगा। सो अज के ब्लॉग में मैं इतने ख़त्म करदा। थैंक यू वेरी मच। सो जल्दी मिलते हैं नैक्सट ब्लॉग के। थैंक यू।